एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट्स टू एक्सप्लेन मी। आपको इंटरनेट पर मुस्लिम का वायरल वीडियो देखने को मिल जाएगा जिसमें कहते हैं कि हमारा वंशज श्री राम है। लेकिन क्या सच में मुस्लिम का वंशज भगवान श्री राम है? अगर आपके मन यही सवाल है तो आपको हम इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले है। भारत में ऐसे कई मुस्लिम है जो अपने आप को सच्चा मुस्लिम समझता है, लेकिन वहीं पर कई सारे मुस्लिम भगवान श्री राम को अपना वंशज मानते हैं। लेकिन इसमें सच्चाई कितना है इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। मुस्लिम तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर मुस्लिम में सिया और सुनी है। ये दोनों जात के लोग आपस में लड़ जाते हैं जिसके कारण सच्चा मुस्लिम नहीं है और अपने आप को बताते हैं श्री राम जी के वंशज। सिया कट्टर मुस्लिम नहीं है और इनका वंशज भगवान श्री राम है, और सुनी कट्टर मुस्लिम है और ये सुरपंथा वंशज हैं, इसीलिए ये दोनों आपस में लड़ते हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि मुस्लिम की उत्पत्ति कैसे हुई फैक्ट्स टू एक्सप्लेन के साथ। रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ, लेकिन सूर्पनखा का वध नहीं हुआ। उसकी नाक और कान काट कर छोड़ दिया गया था। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपा कर रहती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो इसलिए शुक्राचार्य ने शिव की आराधना की। शिव ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगाजल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया जो आज अरब में मक्का मदीना में है। सूर्पनखा जो उस समय चेहरा ढक कर रहती थी वो परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढकी रहती हैं। सूर्पनखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया, इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। इसी तरह की रहस्यमय जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।